नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल ऑनलाइन लीगल एडवाइस और मैं हूं अशोक पांडे। सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए, भूलिए मत। इसके साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, जानकारी चाहते थे। चलिए बता देते हैं कि आखिर आपने तलाक कर लिया, दूसरी शादी करनी है, कब कर सकते हैं। जी हाँ, आपने तलाक हो गया है, चाहे एक्स पार्टी है या म्यूचुअल डिवोर्स है या कॉन्टेस्टेड डिवोर्स, अब आपको दूसरी शादी करना है। कितने दिन के बाद करेंगे? क्या आज आपने कोर्ट से तलाक की डिक्री या जजमेंट लेके आए और कल शादी कर लेंगे, या एक महीने के बाद करेंगे, या एक साल या तीन महीने के बाद करेंगे? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, पूरी की पूरी जानकारी आप तक पहुंचाने का मेरा प्रयास रहेगा। और आपके मन में यदि कोई दुविधा है, प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, तो प्रश्न चिन्ह मिट जाएगा। शुरू करते हैं और बात करते हैं कि आखिर तलाक के कितने दिन के बाद आप दूसरी शादी कर सकते हैं। अमूमन जितने भी कानून है उन सभी का एक ही हाल है, तो हम लोग रेफरेंस ले लेते हैं हिंदू मैरिज एक्ट का। चलिए, अगर हिंदू मैरिज की हम लोग बात कर रहे हैं, तो जहां पर सेक्शन 28 सबसेक्शन 4 में प्रिस्क्राइब ड्यूरेशन है अपील करने का, जो कि है 90 डेज, यानी 3 महीने। 3 महीने के अंदर आप शादी ना करें, ज्यादा अच्छा है। और जो फैमिली कोर्ट एक्ट है वहां पे 30 दिन का प्रोविजन मेंशन है, अपील का ड्यूरेशन 30 दिन का है। कंफ्यूजन हो गया? हिंदू मैरिज एक्ट में 90 डेज है, फैमिली कोर्ट एक्ट में 30 डेज है, अब आप क्या करेंगे? चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मैंने तलाक लिया, आज मुझे कोर्ट का जजमेंट और डिक्री मिल गया। एक्स पार्टी था, वन साइडेड था, मेरी पत्नी को इसकी जानकारी नहीं है, वो कोर्ट में आई ही नहीं और कोर्ट ने मुझे एक्स पार्टी डिवोर्स ग्रांट कर दिया। क्या मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता? मैं कर सकता हूं। मैं कब कर सकता हूं? मैं 3 महीने के बाद, यानी 90 दिन के बाद कर सकता हूं, जैसा कि मैंने आपको सेक्शन 28 सबसेक्शन 4 में बताया, हिंदू मैरिज एक्ट के रेफरेंस में। और यही होता है स्पेशल मैरिज एक्ट में भी। तो आपको ये डाउट तो आपका क्लियर हो गया कि लिमिटेशन कितनी है, आपको कब तक इंतजार करना है। आपको 3 महीने इंतजार करना है। अब म्यूचुअल डिवोर्स की बात कर लेते हैं। म्यूचुअल डिवोर्स में क्योंकि अपील नहीं हो सकती, अपील आप हाई कोर्ट में नहीं कर सकते, तो अगर आज आपको जजमेंट और डिक्री मिला, अगर आप कोर्ट मैरिज करना चाहें, तो 30 दिन के बाद आप कर लीजिए, जो कि फैमिली कोर्ट एक्ट में प्रिस्क्राइब है 30 दिन का लिमिटेशन। हालांकि वो भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट 30 दिन आप इंतजार कर लीजिए, 30 दिन के बाद आप दूसरी शादी कर लीजिए, अगर आपसी सहमति तलाक है, म्यूचुअल डिवोर्स है तो। कॉन्टेस्टेड डिवोर्स के केस में आप क्या करेंगे? जहां पर लड़ झगड़ के हुआ था, पत्नी तलाक लेना चाहती थी, पति तलाक नहीं देना चाहता था, अब पत्नी को डिवोर्स मिल गया, कोर्ट ने डिवोर्स ग्रांट कर दिया, पति परेशान है, अब क्या करेगा वो? एज ऑब्वियस अपील करेगा। अपील का टाइम कितना है? मैंने आपको दो बताया, एक 30, एक 90। 90 डेज तक इंतजार कीजिए। 90 डेज तक अगर कोई अपील नहीं होती है हायर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं। अपील हो गई तो उसका एक अलग सिनेरियो है, चलो उसके बारे में भी अब बात करेंगे, लेकिन उसके लिए एक अलग वीडियो मैंने इसके बाद ही आपको देना है। तो मेरे को लगता है कि आप उस वीडियो को देखें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आखिर आपने आपके पहले कोर्ट केस को, पहली वाइफ के साथ में जो केस चल रहा था डिवोर्स का, वो अभी भी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, आपने दूसरी शादी कर ली, अब उसका क्या होगा? अगले वीडियो में जरूर बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग लिमिटेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो लिमिटेशन 90 डेज का है, 90 दिन का है। 90 दिन तक चाहे एक्स पार्टी डिवोर्स हो या कॉन्टेस्टेड डिवोर्स हो, आप शादी तो बिल्कुल भी मत करो, शादी 90 दिन के बाद में ही करो। अगर अपील नहीं होती है हाई कोर्ट में, बहुत अच्छी बात है, अगर अपील हो गई तो भी अगर आप करेंगे, इसके बाद वाला वीडियो देखिए, आपको जानकारी मिलेगी। आपको अगर आपके पर्सनल प्रॉब्लम के लिए बात करना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर मेंशन है जहां से आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, इसके साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है जहां से आप मुझे रिक्वेस्ट मेंशन कर सकते हैं आपसे पर्सनल बात करने के लिए। आप सभी का कीमती और महत्वपूर्ण समय जो आप हमेशा मुझे देते हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। नए हैं, आपका अपना चैनल है ऑनलाइन लीगल एडवाइस, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। डाउट क्लियर? 90 डेज, 90 दिन के बाद दूसरी शादी करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।